बसमिल रहीम वी आर स्टार्टेड विट इज़ वैल्यू एट रिस्क अभी थोड़ी सी आपकी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं हमने लास्ट बात की थी कि देर आर थ्री टाइप्स थ्री वेज इन विच वी कैन कैलकुलेट वार सो कैन वी रिकॉल इट थोड़ा सा माइंड में ज़रा जोर लगाएं हिस्टोरिकल बेस्ट डेफिनेटली अभी हमने उसका हमने सिर्फ नाम डिस्कस किए थे अभी हमने उनको लर्न करना है देन इट वॉज़ बेस्ड ऑन वेरियंस जिसको हम एनालिटिकल कहते हैं एंड द थर्ड वन वॉज विद न्यू डिफरेंट नेम दैट इज़ मॉन्ट कार्लो अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करती हैं वट आर द डाइनमिक्स ऑफ ईच ऑफ थीज हिस्टोरिकल मैथड हिस्टोरिकल मैथड सिंपली रीऑर्गेनाइज एक्चुअल हिस्टोरिकल रिटर्न पुटिंग दैम इन ऑर्डर फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट क्या हमने वो पिछले पीरियड के रिटर्न को लिस्ट डाउन करते हैं उनको शॉर्ट कर लेते हैं कि वर्ड्स से लेके बेस्ट तक क्या है उससे क्या होगा जूम वो हमारे पास जो वर्ड सनारी हैं वो हमारे पास रेडीली अवेलेबल होंगे एंड वी कैन कम अप विद अ कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू वार इट इज़्यूम दैट हिस्ट्री विल रिपीट इट सेल्फ प्रोमर रिस्क प्रोस्पेक्टिव हमारा ख्याल है कि ये रिस्क फैक्टर जो है वो सिमिलर लेंगे तो ये जो पैटर्न था ये कॉन्टिन्यू रहेगा तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वन मैथड दैट इज़ हिस्टोरिकल एडवांटेज क्या है सबसे बेहतर एडवांटेज तो यह है कि इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट आपके पास हिस्टोरिकल रिटर्न है उनको लिस्ट डाउन करें सॉर्ट कर लें एंड यू गेट इट के जी फाइव परसेंट कितने वर्स सिचुएशन में गए और नाइन्टी फाइव परसेंट हम कितने बेहतर फॉर्म में रहें तो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द कट ऑफ पॉइंट के वहाँ पे वह क्या आई है एंड अदर एडवाटेज इज इट्स ईजी टू एक्सप्लेन टू नॉन रिस्क प्रोफेशनल्स क्योंकि तो इतनी टेक्निकल बात भी नहीं हम कहेंगे जी पिछले हमने सौ केसेस लिए थे या पिछले दस केसेस लिए थे उसकी बेस पे हमारी ये आउटकम आई एंड दिस इज़ द रिस्क मैय तो समझना भी आसान है समझाना भी आसान है इवन जिसको रिस्क की इतनी एपीटाइट नहीं है नॉलेज नहीं है उनको भी एक्सप्लेन करना ईजी है बिकॉज मे बी यू आर वर्किंग फॉर आर सेठ आप बहुत बड़ी कंपनी है आप उसके रिस्क मैनेजर हैं लेकिन वो सेठ साहब को समझाना भी आपने तो इट्स ईजी टू कम्युनिकेट एंड फॉर ले मैन उनको समझना भी आसान है हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ये यूज भी होती है बट डेफिनेटली इट हैज़ सम लिमिटेशन फैक्टर्स एज वेल तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं इट कैन बी स्लो टू चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट्स पिछले स्पेल में मार्केट का फिनोमिना थोड़ा फ़र्क था डायनेमिक्स डिफरेंट थे नाउ इट्स चेंज तो उसको इतनी जल्दी अडेप्ट करेगा ग्रेजुअली तो वह एब्जॉर्ब कर लेगा बट मेजर शिफ्ट को और चेंजेस को इतनी जल्दी नहीं करेगा और प्लस दूसरी बात जो इसकी मेजर एजम्प्शन है वो इन इट सेल्फ एक क्वेश्चन में आ गया कि हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट वो कोई ऐसा हमारे पास रूल तो नहीं है थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट रिवन मार्केट्स हैं सो न्यू रिस्क आर कमिंग तो इट्स नॉट बाउंड कि वो रिपीट होगा सो इट हैज लिमिटेशन एज वेल बट स्टिल इट इज़ यूज एंड बीग अप्लाई दैन अनदर अदर मैथड पिच वी डिस्कस दैट इज वेरियंस को वेरियंस मैथड जिसको मैंने कहा कि हम एनालिटिकल मैथड भी कहते हैं दिस मैथड एज्यूम्स डेट स्टॉक रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उस बेस पे हम इनको कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइज में भी और वैल्यू में भी इन अदर वर्ड इट रिक्वायर डेट वी एस्टिमेट ओनली टू फैक्टर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंड एविएशन दो फैक्टर्स को लेके वी प्लॉट डैम और उसका हम एक कर्व बनाते हैं एंड देन वी सी द लोअर टेल के वो टेल पे कितना रिस्क है और उसको हम अपने फैक्टर में बिल्ट इन कर लेते हैं ये थोड़ी सी एक नई चीज़ है दैट इज मोंटी कार्लो सिमुलेशन सिमुलेशन बेसिकली होता क्या है आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जी आप डिफरेंट ऑप्शन पे एक काम करें रिटर्न और रिस्क की डिफरेंट ऑप्शन के कॉम्बिनेशन बनाएं तो आप एफर्ट करेंगे टास्क करेंगे मे बी कोई पाँच कर लेगा कोई दस कर लेगा कोई बीस कर लेगा कोई तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा तो शायद वो सौ कॉम्बिनेशन बना के कैप्चर कर ले बट व्हेन वी ब्रिंग इन कंप्यूटर सिस्टम्स तो वो सिमुलेशन में क्या करते हैं इट टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़ कॉम्बिनेशन मल्टीपल लेते हैं एंड देन दे कम अप विद एन आउटकम तो कार्लो सिमुलेशन भी उसकी एक एडवांस फॉर्म है सिमुलेशन में स्पेसिफिकली ये यूज़ की जाती है इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या चांसेस होते हैं रादर देन टेकिंग टेन ट्वेंटी फिफ्टी पॉसिबिलिटीज दे टेक हंड्रेड एंड थाउजेंड्स और उसकी बेस पे फाइनली एक को एक रेट को कैलकुलेट करते हैं रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है सो दिस इट्स अ मोर ऑटोमेटेड वर्जन वेअर कंप्यूटर्स आर यूज टू कैलकुलेट द रिस्क इसमें हमें काफ़ी बेनिफिशियल है और प्लस ये एक लेटेस्ट एरिया जिसमें जो ह्यूमनली चीज़ पॉसिबल नहीं थी वो कंप्यूटर्स उसमें हमें हेल्प आउट करती हैं थर्ड मैथ वॉल्व डेवलपिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर स्टॉक प्राइस रिटर्न एंड रनिंग मल्टीपल हाइपोथेटिकल ट्रायल्स थ्रूम होगा आप मतलब बेतहाशा कॉम्बिनेशन वर्जनस को ला के इसके थ्रू हम रूट कर सकते हैं मोन्टिकारेफर टू एनी दैट रैंडमली जनरेट ट्रायल्स डिफरेंट ऑप्शंस को लेके करता है बाय सेल्स डज नॉट टेल एस एनी अबाउट द अंडरलाइंग मैथडॉलॉजी वो हमने उसको पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ था उस पर वर्किंग कर करके कॉम्बिनेशन करके एट विल गिव यू मोर रिक्वायर्ड आउटपुट जो ह्यूमन पॉसिबल नहीं कर सकता था कॉम्बिनेशन जितने नहीं बना सकता था ये सॉफ्टवेयर हमें ये यूज़ करेगा मैं आपको एक और भी टास्क दूँगा जैसे इस केस में हमें स्पेसिफिकली आपको मैं चाहूंगा कि थोड़ी रिसर्च करें मोंटी कार्लो सिमुलेशन आप लिखें इन द सर्च इंजनस एंड यू विल फाइंड डिफरेंट मॉडल की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें और उसके बेनिफिट्स देखें कि व्हाट डज इट टेल्स और ये एक लर्निंग है आपके लिए बेसिक रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ते भी आ रहे हैं दीज आर वी ए आर मोन्टिकार्लो दीज आर द टर्म्स व्हिच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर ऑर्डनरी फाइनेंस स्टूडेंट तो ये थोड़ी सी इसमें अपना करव बिल्ड करें एंड देन मेक इट एज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर्स फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया हंड्रेड हाइपोटिकलोथिकल ट्रायल्स रन किए कॉम्बिनेशन रन किए उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आई कि टू आउटकम्स वर बिटवीन माइनस फिफ्टीन एंड माइनस ट्वेंटी ये सौ में से जो दो थी वो इस लेवल पे आई एंड थ्री वर बिटवीन माइनस ट्वेंटी टू फ ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि रिमेनिंग सारी हमारी पॉजिटिव साइड में थी लोअर साइड पे जो हमने देखा वो ये कुछ थी जो हमारी लोअर साइड एक्सट्रीम केस में आ रही थी अब इसमें अगर मैं देखूं तो तीन और दो पाँच पाँच जो हैं वो हमारी सिचुएशन पंद्रह माइनस पंद्रह से कुछ नीचे गई हैं तो इफ़ आई कैन सिंपली से यानी कि 95 जो रही वो माइनस पंद्रह से ऊपर रही तो इसको मैं कैसे कंक्लूड करूंगा वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मीन्स द वर्स्ट फाइव आउटकम दैट इज द वर्स्ट फाइव वर लेस देन माइनस फिफ्टीन के जो वर्स थी थी वो माइनस से ज़्यादा थी बट इन अदर वर्ड वी कैन से विद नाइन्टी परसेंट कॉन्फिडेंट दैट इट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू लूज मोर देन फिफ्टीन परसेंट ड्यूरिंग अ गिवन मंथ क्या हमने अगर टाइम हॉराइजन मंथ रखा है तो इसका हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि हम 95 फाइव परसेंट शोर हैं कि एक महीने में 15 परसेंट से ज़्यादा लूज़ नहीं करेगा 95 फाइव परसेंट शोर हैं पाँच परसेंट का हमारा है कि इससे ज़्यादा हो सकता है तो दिस पे यू कैन सी हमने हंड्रेड पॉसिबिलिटीज़ लगाई और यहाँ पे मैं थाउजेंड भी लगाना चाहूँ तो मॉन्टी कार्लो मुझे ईजिली उसको अकोमोडेट करेगा क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है उसमें फंक्शनिंग है तो इट्स अ कंप्यूटर ऑटो जनरेटेड थिंग तो उसकी कोई ऐसा नंबर्स की लिमिटेशन नहीं होती तो वेरियंस को वेरियंस मैथड जो एनालिटिकल है इट्स ईजीएसट वो ईजीस्ट इन फॉर्म ये है क्योंकि बेस्ड ऑन स्टैंड एविएशन है और एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो वो उससे हम ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं हमारी स्टैंड एविएशन और वेरियंस हमारा एक पार्ट है जिसको हम देखते रहते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेड से आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें इशू क्या है एजम्प्शन ली जाती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो जो स्क्नेस है कि कभी वो इधर हो सकता है या उधर हो सकता है वो फैक्टर उसमें कैप्चर नहीं ली जाती एजम्पन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो उसको होल्ड करके ही मूव करता है मोंटी कार्लो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन फ्यूचर पैटर्न्स को और उसको देख के ये ज़्यादा अच्छा कैप्चर कर सकती है इन सब के यानी कि अपने एडवांटेजेस भी हैं अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं सो वी शुड बी लर्निंग ऑल ऑफ दीज एंड अप्लाइंग इन आर finance language Take, okay. thank you